Good morning to all of you, Bete. So, Bete, we had started with the process of staffing. First step in staffing is recruitment. All of you are aware now what is recruitment. Recruitment basically is the process of searching for a prospective employee and stimulating them to apply for job in the organization. ठीक है? ये हमारी staffing का पहला step है. कि सबसे पहले हमें वर्कर्स को रिक्रूट करना होता है. रिक्रूट का मतलब हमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई सूटेबल कैंडिडेट्स सर्च करने पड़ते हैं और उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? देयर आर वेरियस सोर्सेज बाय विच वी कैन रिक्रूट अवर एम्प्लॉईज. दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. तो प्रीवियसली आप इंटरनल सोर्सेज जो कि दो हैं, which is promotion and transfer, that is recruitment within the organization. जब आप internally अपने resources को, अपने employees को या तो promote कर देते हैं, ठीक है, let us say आपके पास general manager की post खाली है और आपके पास एक आपका head clerk है जो कि आपको capable लगता है कि वो general manager की post को संभाल सकता है ना, तो आप उसको promote कर सकते हैं to the post of general manager. तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही एक एम्प्लॉई को जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रिक्रूट कर दिया. दिस इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रमोशन. अनदर इज ट्रांसफर. आपके एक लुधियाना में एक ब्रांच है, वहां पर जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली हुई है, तो जलंधर में आपके पास एक जनरल, आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट है जो आपको लगता है लुधियाना की ब्रांच को संभाल सकता है, तो आप उसकी ट्रांसफर लुधियाना में कर सकते हैं, उसको वो वाली पोस्ट दे सकते हैं. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब आप रिक्रूट करते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. अब इंटरनल सोर्सेज के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं. लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, जब आप इम्प्लॉइज को प्रमोट करते हो तो इम्प्लॉइज मोटिवेट होते हैं. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर है कि इम्प्लॉइज की प्रमोशन होती है, ठीक है, टू हायर पोजीशन, इन दैट ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉइज विल बी मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो हर एक को लगेगा अरे जनरल मैनेजर की पोस्ट खाली है, हो सकता है मेरे को यहाँ पर प्रमोट कर दें, आई विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट पोस्ट, तो उनको मोटिवेशन मिलती है. मोरओवर जब एक प्रमोशन हायर लेवल पे प्रमोशन होती है ना, तो इट लीड्स टू चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अंडरस्टैंड दिस, हेड क्लर्क को मैनेजर बना दिया, ठीक है, अब किसी को हेड क्लर्क भी तो बनाना है, फिर हेड क्लर्क की पोस्ट खाली हो गई, तो हेड क्लर्क के जो नीचे पर्सन था, डेप्टी क्लर्क था, उसको हेड क्लर्क बना दिया. डेप्टी क्लर्क के नीचे जो क्लर्क था, है ना, उसको डेप्टी क्लर्क बना दिया. क्लर्क के नीचे जो सुपरिटेंडेंट था उसको क्लर्क बना दिया. सुपरिटेंडेंट के नीचे जो वर्कर था उसको सुपरिटेंडेंट बना दिया. सो इन दिस वे जब भी एक हायर लेवल पे प्रमोशन होती है, इट लीड्स टू चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल्स. सो दिस यू नो मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस. सो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का कल्चर है, तो उसके जो वर्कर्स हैं दे यू नो वर्क विद लॉयल्टी, उनमें लॉयल्टी रहेगी एंड दे विल रिमेन सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स. और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पीस प्रिवेल करती है बिकॉज ऑफ प्रमोशनल एवेन्यूज. जब आपको पता है कि हाँ जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यू नो प्रमोशन का ऐसे कल्चर है, तो पीस रहेगी. ठीक है, सेकंड है बेटे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इट सिंपलीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट. इससे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपलीफाइड हो जाता है. आपको बाहर से रिसोर्सेज को या एम्प्लॉइज को रिक्रूट नहीं करना पड़ेगा. अगर आप बाहर से करते हो, पहले आप शॉर्ट लिस्टिंग करोगे एप्लीकेशंस की, कौन से सूटेबल लग रहे हैं कौन से नहीं, फिर जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टेस्ट रखोगे, फिर उनकी इंटरव्यू लोगे. यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर.
लेकिन अगर आप इंटरनली ही अपने वर्कर्स को इंप्लॉय कर लेते हो, रिक्रूट कर लेते हो, तो आपका ये प्रोसेस सिंप्लीफाइड हो जाएगा। मोरओवर जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी आपके एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं उनको इवैल्यूएट किया जा सकता है, ज्यादा एक्यूरेटली हम उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं और ज्यादा इकोनॉमिकली हम उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये इंटरनल सोर्स जो है इट इज मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस द कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी नोन टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने कैंडिडेट्स के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, उनके बारे में पता है, तो इसीलिए ये ज्यादा रिलायबल तरीका है रिक्रूट करने का। देन थर्ड बेटे, ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। ट्रांसफर जो कि एक इंटरनल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, एक है प्रमोशन और दूसरा है ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर एक टूल है एम्प्लॉइज को ट्रेन करने का, उनको प्रिपेयर, इट इज अ वे ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज। ठीक है, हमें वर्कर्स को ट्रेन भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम। सो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं एम्प्लॉय की, वो एक तरह से उसकी ट्रेनिंग हो रही है ताकि हम उसको हायर जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर हैज द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग द वर्कफोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। सो थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ना सेल्स कम हो गई, वो हमें लगा स्टाफ की जरूरत नहीं। चलो बैंक का एक, किसी SBI की एक ब्रांच का हम केस ले लेते हैं, हमने कंप्यूटर्स इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, और मोरओवर वहां पे थोड़ा कस्टमर का बेस कम हो गया, तो हमें 2-3 इम्प्लॉइज ऐसे दिख रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है, वो सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं। अगर हम उनको काम से निकालेंगे, इट विल बी रियली डीमोटिवेटिंग फॉर अदर इम्प्लॉइज। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा SBI की ब्रांच एक दूसरी जगह है, वहां पे कस्टमर बेस काफी बढ़ रहा है, ठीक है, वहां पे और स्टाफ की जरूरत है, तो हमने ये जो सरप्लस इम्प्लॉइज यहाँ पर थे उनको वहां पे भेज दिया जहां पे स्टाफ की शॉर्टेज थी। ठीक है, थ्रू ट्रांसफरिंग देम, हमने ट्रांसफर की एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज किया और उनको उस जगह पे भेज दिया। ठीक है, सो दोनों जगह के लिए देखो फायदेमंद रहा, जहां पे स्टाफ की शॉर्टेज है उनको स्टाफ मिल गया, और जहां पे सरप्लस स्टाफ था वहां पे हमें स्टाफ को रिमूव नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ उनकी ट्रांसफर कर दी। ठीक है, देन बेटे, फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर एज कंपेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अभी हम इसके बाद एक्सटर्नल सोर्सेज पढ़ेंगे, एंड यू विल कम टू नो दैट ऑल दीज सोर्सेज इन्वॉल्व कॉस्ट, खर्चा आता है, हमें पैसे खर्चने पड़ते हैं वर्कर्स को रिक्रूट करने के लिए। लेकिन जब हम इंटरनली रिक्रूट करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी वो इम्प्लॉयज हैं, उनको या तो हमने प्रमोट कर दिया या हमने उनको ट्रांसफर कर दिया, सो विद दैट यू नो देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, राइट। बट देन देयर आर ऑल्सो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। फर्स्ट, स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग सो लेट। दिविलीन, बेटे आपके पेरेंट्स को बुलाया था, आप नहीं आए। सो बेटे, व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस, द स्कोप फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। देखो, ऑर्गेनाइजेशन पुरानी चलती जा रही है, ये जो स्टाफ है ये पुराना है, हमने इसको प्रमोट कर दिया, बड़ी पोस्ट दे दी, ठीक है, नो डाउट उसका एक्सपीरियंस का हम फायदा ले रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरनल सोर्सेज के ऊपर ही रिलाय करेगी, तो इन दैट केस हम फ्रेश टैलेंट का स्कोप कम कर रहे हैं। जो फ्रेश टैलेंट है, जो नए नए यू नो MBA बिजनेस स्कूल्स में से पढ़ के आए हैं बच्चे, और वो MBA करा है, उन्होंने इतना कुछ सीखा है, कंप्यूटर सेवी हैं, टेक सेवी हैं, नए नए आइडियाज हैं उनके माइंड में, तो उनको इंडक्ट करने का स्कोप एक ऑर्गेनाइजेशन कम कर देती है जब ये सोलली इंटरनल सोर्सेज के ऊपर रिलाय करती है। ठीक है, सो इससे एक इनब्रीडिंग का डेंजर, इनब्रीडिंग मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में ब्रीडिंग होती जा रही है, ठीक है, इसका स्कोप बढ़ा रहे हो, एंड यू आर स्टॉपिंग द इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड।
नया ब्लड जो है, नौजवानों का जो खून है, यंग ब्लड जो है, फ्रेश टैलेंट जो है, वो हम नहीं टैप कर रहे हैं, ठीक। देन समटाइम्स बेटे ऑर्गेनाइजेशंस दे रिलाई ऑन टाइम बाउंड प्रमोशंस, स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसा रहता है कि आपकी जो प्रमोशंस है ना वो टाइम बाउंड है, यानी अगर आपको 10 साल हो गए तो आप सीनियर हो गए, अगर आपको 20 साल हो गए तो आप सुपर सीनियर हो गए, 30 साल बाद आपको मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी एंड सो ऑन। ये टाइम बाउंड प्रमोशन जो है, इससे एम्प्लॉइज लथार्जिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उनको कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको पोस्ट नहीं दे रहे, हम उनकी सीनियोरिटी के बेसिस पर दे रहे। सो जहां पर टाइम बाउंड प्रमोशन है, सीनियोरिटी के बेसिस पर प्रमोशन दी जाती है बेटे, वहां पे इंप्लॉइज जो है वो लथार्जिक हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लथार्जिक? दे विल बी यू नो लेजी, दे वॉन्ट बी डूइंग देयर वर्क परफेक्टली, ठीक। देन अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। जो नया एंटरप्राइज है बेटे, वो इंटरनल सोर्स को यूज नहीं कर सकता, उसके पास चॉइस ही नहीं है, क्योंकि उसको नए सिरे से ही एक्सटर्नली ही अपने एम्प्लॉइज रेज करने पड़ेंगे। देन द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉइज में ऑल्सो बी हैम्पर्ड। तो एक जो स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन होती है ना एम्प्लॉइज में, कि मैं काम करूंगा तो मेरे को वो यू नो प्रमोशन मिलेगी, तो वो स्पिरिट जो है ना वो हट जाती है अगर टाइम बाउंड प्रमोशंस हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। देन समटाइम्स बेटे जब फ्रीक्वेंटली हम एम्प्लॉइज की ट्रांसफर करते हैं ना, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मेरे को कभी लुधियाना भेज देते हैं, कभी फगवाड़ा भेज देते हैं, फिर जलंधर बुला लेते हैं, फिर किसी और गांव में भेज देते हैं, तो इससे मेरे को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगी, मेरी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, क्योंकि मेरे को हर बारी नई जगह पे जाकर अपना यू नो नया समझना पड़ेगा और स्टाफ को समझना पड़ेगा और उनके एटमोस्फेयर को, एनवायरमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, सो माय प्रोडक्टिविटी मे आल्सो हैम्पर, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एनी डाउट्स एनीवन? ऑलराइट, सो नेक्स्ट कमिंग टू बेटे एक्सटर्नल सोर्सेज। एक एंटरप्राइज को एक्सटर्नल सोर्सेस भी टैप करने पड़ते हैं अपनी पोजीशंस फिल करने के लिए, क्योंकि सारी वैकेंसीज हम इंटरनल सोर्सेस से फिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो व्हाट आर दी कॉमन सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाट आर द कॉमन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट? नंबर वन इज बेटे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्कर्स की जरूरत है, जनरली जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मेथड है वो हमें अनस्किल्ड वर्कर, कैजुअल वर्कर्स को इम्प्लॉय करने के लिए हम यूज करते हैं। बेटे आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है एनीवन, या आपके अपने पेरेंट्स की, फादर की, मदर की फैक्ट्री हो, एनीवन रेज योर हैंड, या आपकी अपनी फैक्ट्री है, या आपके घर के आसपास, या आप जहां से निकलते हैं वहां पे आपने कोई फैक्ट्री देखी है कभी? ओके, यस, ओनली वन चाइल्ड। तो बेटे कई बार आपने ये पढ़ा है बाहर, जरूरत है, वहां पे लिखा होता वैकेंसी फॉर अनस्किल्ड वर्कर, जरूरत है 4 फोरमैन की, 2 फोरमैन की, सुपरवाइजर की, वर्कर की। हैव यू एवर कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ थिंग? ओके, यस, सो मौलिक हैज सीन, नो वन एल्स हैज सीन, मे बी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके, 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग यस, दे हैव विटनेस दिस थिंग। बेटे ये जो है दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मेरी एक फैक्ट्री है, अचानक मेरे कुछ वर्कर्स काम छोड़ के चले गए, या मैंने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, मुझे फोरमैन या सुपरवाइजर या वर्कर्स की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर एक वो पेज लिया बड़ा सारा, उसके ऊपर लिख दिया जरूरत है, क्योंकि ये जो वर्कर है ये यू नो इंग्लिश वगैरह नहीं जानते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सो उनकी लोकल लैंग्वेज में हम लिख देते हैं कि इतने वर्कर्स, ठीक है, इतना फोरमैन की हमें जरूरत है। सो बिकॉज दे हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर यू नो सच काइंड ऑफ नोटिस
आउटसाइड द फैक्ट्रीज. सो वंस दे सी कि हाँ इस फैक्ट्री में वर्कर्स की जरूरत है, दे गो देयर, दे गेट द वर्क एंड दे स्टार्ट डूइंग द वर्क, दे आर रिक्रूटेड. ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ठीक है, सो अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल. जैसे मैंने आपको बताया इतने वर्कर्स, इतने फोरमैन और इतने सुपरवाइजर्स. द जॉब सीकर्स दे असेंबल आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट. जो भी उन्होंने लिखा है मीट सो एंड सो ऑन दिस एंड दिस डेट, ठीक है, तो उस स्पॉट पे उस डेट को वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं. तो अगर वर्कर्स ज्यादा हैं तो उसमें से जो उनको सूटेबल लगते हैं वो उनको रख लेते हैं. ठीक है, जनरली बेटे ये जो सोर्स है ना रिक्रूटमेंट का, ये कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए होती है. ठीक है, जो वर्कर्स हैं, जो सपोज करो एक स्पोर्ट्स फर्म है तो फुटबॉल सीने के लिए उनको चाहिए है स्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स जिनको वो कहते हैं, वो अपने आप सीख जाएंगे यहाँ पे काम करना. तो इन वर्कर्स को हम कैजुअल या बदली वर्कर्स, हिंदी में बदली वर्कर्स भी कहते हैं, और उनको डेली वेजेस दी जाती है. ये डेली वेजेस के ऊपर इनको अपॉइंट किया जाता है. ये बहुत ही एक इनएक्सपेंसिव मेथड है रिक्रूटमेंट का, कोई खर्चा नहीं आता. आपने अपने नोटिस बोर्ड पे बस लिख के लगा दिया और लोग अपने आप आ गए. ठीक है, ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब सपोज करो काम बहुत ज्यादा है, हमें दो दो शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है, हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स धड़ाधड़ मिल रहे हैं, तब हम इसको यूज करते हैं. या हमारे परमानेंट वर्कर्स हमें छोड़ के चले गए हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने उनको ले लिया है तो हमें वर्कर्स की जरूरत है, तो उस टाइम पर भी हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड यूज कर सकते हैं. राइट, सो आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज बेटे कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? अब सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इम्प्लॉयज, जनरल मैनेजर की पोस्ट थी या कोई भी एक पोस्ट थी, तो उसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की थी, तो उन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किया, उसमें से उनको एक मैनेजर की जरूरत थी, उन्होंने एक मैनेजर को अपॉइंट कर लिया. ठीक है, तो बाकी जो 9 मैनेजर्स थे उनका वो क्या करते हैं, डेटाबेस रख लेते हैं अपने पास. अब कल को सपोज करो ये मैनेजर कनाडा चला गया, वो कहता है मेरे को तो कनाडा जॉब मिल गई, आई एम लीविंग दिस जॉब. तो इन दैट केस यू हैव, यू नो, आपके इमरजेंसी में एक मैनेजर चाहिए, उसने आपको नोटिस नहीं दिया महीने का, उसने कहा कल मेरी फ्लाइट है और मैं छोड़ के जा रहा हूँ. तो इन दैट केस बेटे यू कैन मेक यूज ऑफ कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या है, आपके पास डेटाबेस पड़ा हुआ है उन एप्लीकेंट्स का जिन्होंने आपकी ऑफिस में पहले अप्लाई किया था लेकिन आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया था. ठीक है, सो दीज मे बी, यू नो, अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर. इनकी हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे, इनकी हम स्क्रीनिंग करेंगे, देखेंगे इनमें से कितने कैंडिडेट्स को बुलाएं, और फिर उनको बुला के हम देख लेंगे हमारे लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन सा है. ठीक है, सो इससे आपकी जो कॉस्ट कटिंग हो जाती है, आपको दोबारा से एडवर्टीजमेंट दे के बुलाओगे, उनको सिलेक्ट करोगे, आपका पूरा दिन लगेगा उनके इंटरव्यू लेने में, सो दैट विल बी रिड्यूस्ड. ठीक है, क्लियर है बेटे? कैजुअल कॉलर्स, आपके पास जो डेटाबेस है उसमें से, जैसे सपोज करो अब हमारे स्टाफ में से कोई टीचर ने रिजाइन कर दिया, तो टाइम टू टाइम कोई एप्लीकेंट्स जो है जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अपना रिज्यूमे रिसेप्शन पे पकड़ा जाते हैं. ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन रेफर टू दोज रिज्यूमेस. हम देख सकते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारे, जो हमारा कैंडिडेट छोड़ के गया उसको कौन सा कैंडिडेट रिप्लेस कर सकता है और उसको हम रिक्रूट कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड विच इज एडवर्टीजमेंट. सो बेटे एडवर्टीजमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन सोर्स है रिक्रूटमेंट का. आपने भी एडवर्टीजमेंट्स पढ़ी होंगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आती हैं या ट्रेड जर्नल्स होते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स होते हैं, उसमें जो एंटरप्राइजेज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो एडवर्टीजमेंट दे देती हैं कि भी हमें सो एंड सो कैंडिडेट की जरूरत है, उसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको हम इतनी सैलरी देंगे. तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और जो हमारी क्वालिफिकेशंस को मीट करते हैं वो सो एंड सो डेट को सो एंड सो टाइम पर आकर यहाँ पर हमें मिले. ठीक है,
सो दिस इज एडवर्टीजमेंट. इसमें फायदा क्या है एडवर्टीजमेंट का? एक तो हम तब यूज करते हैं जब आपको वाइडर चॉइस चाहिए. आप कहते हो मैंने एक दो में से नहीं अपना, मेरे को अपना कंपनी का मैनेजर है, एक सॉलिड पर्सन चाहिए. ठीक है, जैसे सपोज करो एक स्कूल को अपना प्रिंसिपल ही हायर करना है, तो वो एडवर्टीजमेंट देगा. क्योंकि इससे क्या होगा, जगह जगह एडवर्टीजमेंट जाएगी, अलग अलग जगह से लोग अप्लाई करेंगे और हमें एक सूटेबल कैंडिडेट मिल जाएगा. तो जब आपको चॉइस ज्यादा चाहिए तब भी आप एडवर्टीजमेंट यूज करते हो. सेकेंडली, एडवर्टीजमेंट से बेटे इसका फायदा ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो. जैसे मैंने बताया कि आपको कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन. ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है एडवर्टीजमेंट का बेटे? इट मे लीड टू फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड मेनी अ टाइम्स विच आर फ्रॉम क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स पढ़ते ही नहीं है. हमने कहा कि 10 सालों के एक्सपीरियंस हमें चाहिए, वो नहीं पढ़ते. 5 साल के एक्सपीरियंस वाला भी कैंडिडेट अप्लाई कर देता है, कहता चलो शायद तीर तुक्का लग जाए, है ना. तो ये एक इसका ड्रॉबैक है. बट देन इट इज मोस्ट पॉपुलर सो फार, मोर पॉपुलर यू नो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. देन बेटे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये चौथा सोर्स है रिक्रूटमेंट का. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट रन करती है. ये एक जगह है जहां पर जो लोग अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं. ठीक है, वो अपना सारा बायोडेटा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, एंड आई एम लुकिंग फॉर जॉब ऑफ सो एंड सो नेचर. आप अपना डेटा रजिस्टर करवा देते हैं. और जिन कंपनीज में वैकेंसीज निकलती हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट और स्पेशली गवर्नमेंट में, जैसे कोई स्कूल की हो गई या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की होगी या प्राइवेट भी, वो अपना डेटा भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में दे देती हैं. सो इन दिस वे दे मैच, जो डिमांड और सप्लाई को मैच कर देता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. उसके पास ये भी डाटा है कि किन किन लोगों को काम चाहिए और कौन कौन सी कंपनीज ये काम देने को तैयार है. तो वो क्या करता है, इन 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 एम्प्लॉय जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ, दोज हु आर सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, उनको लेटर्स भेज देता है भाई इस कंपनी में इस नेचर की जॉब जो आप मांग रहे हो वो निकली हुई है, जाओ आप जाकर इंटरव्यू दे आओ. ठीक है, सो इन दिस वे दे गेट द इंफॉर्मेशन. दे सर्व एज अ यू नो लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड द एम्प्लॉयर्स. ठीक है, लेकिन हमारी इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं इनका डेटा अपडेटेड नहीं रहता है. वही बात आ गई, जहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां कुछ ना कुछ इनएफिशिएंसी अभी भी है, तो अप टू डेट डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं होता. और मैक्सिमम कैंडिडेट्स लोग जो है ना सूटेबल कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में रजिस्टर ही नहीं करवाते. ठीक है, तो उनके पास जो डेटा होता है या कैंडिडेट्स जो वो रेफर करते हैं वो मेनी टाइम्स सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं होते. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फिफ्थ सोर्स, प्राइवेट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. बट स्पेशली टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज में ये सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग अपनी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज खोल लेते हैं, या उसको हम मैनेज अलग प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी भी खोल सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज भी खोल लेते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक वो नहीं होता ब्रोकर, जैसे प्रॉपर्टी डीलर है वो अपनी शॉप खोल के बैठता है, तो जिसको प्लॉट बेचना है वो भी लिखवा जाता है, जिसको चाहिए वो भी लिखवा जाता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है. पर ये प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज है, प्राइवेट पर्सन अपना एक प्लेसमेंट एजेंसीज खोल लेते हैं. तो उसमें जिन लोगों को काम की जरूरत है वो अपनी क्वालिफिकेशन, नेचर ऑफ जॉब दे आर इंटरेस्टेड, कौन सी प्लेस में जाना चाहते हैं और कितनी उनको सैलरी वो एक्सेप्ट करेंगे, मिनिमम सैलरी कितनी सूटेबल सैलरी वो आ जाएगा उनका. ठीक है, उनके पास डेटा आ जाएगा. इसी तरह वो इंडस्ट्रीज के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं भाई आपको कौन कौन से इंप्लॉयज की जरूरत है. इन दिस वे दे मैच द पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई. जहां पे उनको लगता है कि इस कंपनी को ये वाला पर्सन सूटेबल रहेगा तो वो उसका पूरा बायोडेटा भेज देते हैं. ठीक है, और काफी उनको ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन वो भेजेंगे और वो ही अपॉइंट हो जाएगा, सूटेबल कैंडिडेट्स की एक लिस्ट भेज देंगे. सपोज उनको लगा ये 8 कैंडिडेट्स जो है जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए सूटेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो और उनका क्राइटेरिया मीट करते हैं
ठीक है, तो उस केस में वो उसको भेज देंगे और उन 8 लोगों की वो इंटरव्यू लेके उसमें से अपना पर्सन सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह बेटे मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती हैं अपना टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सोनल सिलेक्ट करने में, रिक्रूट करने में। दीज स्पेशलाइज इन मिडल एंड लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट्स। ठीक है, जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज और प्राइवेट प्लेसमेंट्स में क्या डिफरेंस है, जैसे सपोज करो हमारे स्कूल को हमें यू नो सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए 5, तो अब हमारे पास, हमारे प्रिंसिपल मैम के पास इतना टाइम नहीं, हमारा तो एकेडमिक फोकस है ना, तो 5 सिक्योरिटी गार्ड के लिए हम इनकी इंटरव्यू कंडक्ट करें, नहीं, हम क्या करेंगे, हम प्राइवेट एजेंसीज को बोलेंगे भी ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें 5 सिक्योरिटी गार्ड्स भेज दो, ये हम सैलरी देंगे। ठीक है, तो वो जो सूटेबल कैंडिडेट्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज और जो हमारे क्राइटेरिया को मैच करते हैं और हम जितनी सैलरी हम ऑफर कर रहे हैं उतनी देने को तैयार हैं, वो हमें भेज देंगे, वी विल बी अपॉइंटिंग देम। ठीक है, लेकिन अगर हमें मिडिल लेवल या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स चाहिए, मैनेजर की पोस्ट हमें फिल करनी है, फाइनेंस मैनेजर की या सेक्रेटरी की पोस्ट फिल करनी है, तो उस केस में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स जो है वो हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, वो इसमें स्पेशलाइज होती हैं मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो उनके पास डेटा बैंक होता है पूरा पर्संस का विद डिफरेंट क्वालिफिकेशंस, इवन दोज हु आर यू नो ऑलरेडी एम्प्लॉयड समवेयर, तो कई बार उनको लगता है ये एक्सिस बैंक का मैनेजर है ना, ये आपके बैंक के लिए बहुत सूटेबल है, तो वो उसको ज्यादा पैसे ऑफर करके आपके पास भिजवा देते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज। नाउ द टाइम इज अप आई गेस, 12 o'clock होती है ना ऑफ, सो वी विल बी डूइंग रेस्ट ऑफ द सोर्सेज टुमारो।